नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। और अब खबरें विस्तार से। निमाज कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में सांगावास, आसरलाई, मोहराई, खेड़ा, देवड़गढ़, टुकड़ा, निमेड़ा, धागला, मालियों का बास में नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही देवी माँ की पूजा और आराधना शुरू हो चुकी है। माँ को खुश करने के लिए मारवाड़ में कई जगह गरबा हो रहे हैं। भक्तजन नवरात्रि में गरबा में माँ दुर्गा के भजन और गीतों पर नृत्य करते हैं। मारवाड़ के अलावा भारी इलाकों में भी नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया की गूंज है। नवरात्रि के शुरू होते ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गरबा और डांडिया केवल गुजरात में ही हुआ करता था। यह नृत्य गुजरातियों की शान माना जाता है। कार्यक्रम में रावणा राजपूत समाज और अन्य समाज के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर भवानी सिंह रावणा राजपूत, राघव सिंह रावणा राजपूत, नवीन सिंह रावणा राजपूत, पुष्पेंद्र सिंह रावणा राजपूत, वीर सिंह, जितेंद्र सिंह, माधव सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। बूंदी में ब्रह्मालीन बाबा बजरंग दास महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर कल श्री बजरंग जन कल्याण आध्यात्मिक समिति द्वारा नरसिंह आश्रम स्थित बाबा की प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही स्नान कराया गया। इसके उपरांत अस्पताल में स्थित महिला विश्राम गृह में बाबा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अस्पतालों के विभिन्न वार्डों में मरीजों को फल वितरित किए गए और जंगम की बगीची में गायों को हरा चारा डाला गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बाबा के भक्त भरत शर्मा, जितेंद्र मोदी सहित शर्मा उपस्थित थे। अस्पताल में जहाँ पे महिला विश्राम गृह का निर्माण बाबा ने करवाया था, आज हमारे श्री श्री 1008 श्री बजरंगदास जी महाराज लाल मोटे वाले बाबा की प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर समिति जन कल्याण समिति के सदस्य एवं अन्य उनके शिष्यगण, शहरवासी उनके द्वारा जंगम जी की बगीची पर गायों को चारा डाला गया। जालौर के रानीवाड़ा निकट सेवाड़ा गांव में शेलण माताजी नवयुवक मंदिर के तत्वाधान में नवरात्रि के दूसरे दिन भी देवी देवताओं के स्वांग रचकर गरबारास किया जा रहा है। कार्यक्रम में डांडिया और गरबा नृत्य की धूम रही। डांडिया और गरबा कार्यक्रम परवान पर चढ़ रहा है। शहर के हर गली मोहल्ले में दूर दूर तक डांडियों की खनक सुनाई दे रही है। युवक युवतियां कदम से कदम मिलाकर डांडिया नृत्य की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बैरोड कस्बे में मुख्य चौराहे पर बने सिवानी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 2 में युवक का शव पंखे से लटका मिला। घटना की जानकारी लगते ही बैरोड थाना प्रभारी वीरेंद्र यादव पुलिस जाप्ते के साथ पहुंचे और शव को पंखे से उतरवाकर शव को मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि अभी युवक की पहचान नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने पहले भी प्रेमी युगल ने गोली खाकर आत्महत्या कर ली थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस होटल पर पहले भी कई बार रेड पड़ चुकी है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाने के कारण आए दिन हादसे और घटनाएं सामने आ रही है। निमाज कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर सब सेठ मोहनलाल व्यास बस स्टैंड बुकिंग खिड़की काफी लंबे समय से बंद होने से यात्रियों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में ब्यावर डिपो मैनेजर RS राजावत से दूरभाष पर बात होने पर बताया कि अभी ATM मशीन की कमी होने के कारण वहां पर एजेंट नहीं बैठ पा रहा। मंगलवार को काफी लंबे समय से बुकिंग खुलने से ग्रामीण और यात्रियों में खुशी की लहर छा गई। प्रत्येक दिन अप डाउन करने वाले छात्र छात्राओं को भी परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा और बस चालक भी अपने निर्धारित समय सीमा के अनुसार बस को टिकट खिड़की पर लेकर आएंगे।
तब जाकर यात्रियों को बर ब्यावर अजमेर जयपुर दिल्ली हरिद्वार कोटा बारा झालावाड़ पाटन जेतारण बिलाड़ा जोधपुर जाने आने जाने के लिए परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के देवर रोड पर स्थित गायत्री प्रज्ञा पीठ पर शनिवार शाम 7 बजे प्रज्ञा मंडल बकानी के तत्वाधान में दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में 108 दीप जलाकर दीप यज्ञ किया गया, जिसमें गायत्री प्रज्ञा मंडल के अध्यक्ष निर्मल शर्मा, महिला मंडल की संरक्षक जानकी देवी शर्मा, शांता देवी शर्मा, महिला मंडल अध्यक्ष कला शर्मा, गांधी प्रिया सहित गायत्री परिवार से जुड़े समस्त श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। निमाज कस्बे में जलदाय विभाग के ठेकेदार द्वारा जवाई पेयजल परियोजना को लेकर पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य करीबन सब जगह पर पूर्ण हो चुका है। गौरतलब यह है कि निमाज कस्बे के मुख्य बाजार स्थित कुमारों का मोहल्ला रायपुर दरवाजा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से बर जाने वाले मार्ग पर डामरीकरण सड़क को बीच में से तोड़कर पाइपलाइन को बिछा दिया गया है, लेकिन गड्ढे यथास्थिति बने हुए हैं, जिससे कई बार बाइक चालक चोटिल हो जाते हैं। लेकिन ठेकेदार द्वारा आज तक गड्ढे वापस नहीं भरे गए। कस्बे से बर जाने वाले मार्ग पर प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रविवार को भाजपा और कांग्रेस की विभिन्न कमेटियों की मैराथन बैठक होगी। भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर रणकपुर में उम्मीदवारों के नामों के पैनल बनाएगी, वहीं कांग्रेस की भी विभिन्न कमेटियों की मैराथन बैठकें शुरू होगी। राज्य की बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों के पैनल बनाने और चुनावी चिंतन मंथन के लिए रणकपुर और जयपुर को चुना है। 14 से 17 अक्टूबर पाली के रणकपुर और 20 से 23 अक्टूबर को जयपुर में बीजेपी का मंथन होगा। रणकपुर में 102 सीटों के और जयपुर में 98 सीटों के पैनल बनेंगे। टिकट वितरण का फॉर्मूला यहीं से तय होगा। जोधपुर में रेलवे पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश का एक परिवार ट्रेन के इंतजार में जोधपुर के राई का बाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो रहा था और साथ ही मासूम को एक दरिंदा उठाकर ले गया। वह झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, तभी बच्ची को तलाशते हुए परिजन वहां पहुंचे और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने उसे दबोच लिया। लहूलुहान हालत में मिली बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए आरोपी भीलवाड़ा निवासी कैलाश चंद्र को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उदयपुर जिले में संबलूर मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में क्षमता से ज्यादा सवारियां होना और ओवर स्पीड होना ही हादसे का मुख्य कारण रहा। हादसे के दौरान आसपास खड़े लोगों ने बताया कि डंपर चालक डंपर को साइड में खड़ा कर ढाबे पर चाय पीने गया था। इस दौरान काफी रफ्तार से अनियंत्रित कार आई और डंपर से जा भिड़ी। उदयपुर MB अस्पताल में भर्ती घायल अध्यापिका पायल सेवक ने बताया कि कार स्कूल संचालिका प्रेक्षा चौधरी चला रही थी और वह पीछे की सीट पर बैठी थी। गाड़ी चला रही प्रेक्षा की गोद में भी उनकी बच्ची बैठी थी। खेराड़ गांव के पास गोद में बैठी बच्ची को संभालने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। उधर सामने से एक और गाड़ी आ रही थी, उसे बचाने के चक्कर में ट्रक से कार जा भिड़ी। हादसे में घायल स्कूल संचालिका प्रेक्षा चौधरी का इलाज इमरजेंसी के ऑब्जर्वेशन रूम में किया जा रहा है। हादसे में प्रेक्षा की बेटी गौरी की भी हालत मौत हो गई है। प्रेक्षा सदमे में है और फिलहाल कुछ भी नहीं बोल पा रही है। हादसे में एक घायल एक बच्चा शाम को होश में आया। बच्चे ने बताया कि कार प्रेक्षा मैम चला रही थी, कार आगे खड़ी गाड़ी से टकरा गई। जिला कलेक्टर ने हादसे के साथ स्कूल की जांच कराने की बात कही है। बैरोड के गुजरवास गांव में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया और गांव के ही माताधीन पुत्र प्रहलाद गुजर के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चोरों ने जंगला तोड़कर घर में प्रवेश किया और करीबन 3 से 4 कमरों में चोरी की।
वहीं पीड़ित ने बताया कि लगभग 4 लाख रुपए के गहने और 1.5 लाख रुपए की नकदी भी चोरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ गांव के ही हरदान सिंह गुजर, जो वायुसेना में देश के लिए रात दिन ड्यूटी कर रहा है, उसी के घर में चोरों ने सेंध लगाई और घर में अकेली महिला होने के कारण चोर भी और भी बेखौफ हो गए। महिला जिस कमरे में सो रही थी उसके बाहर से चोरों ने कुंडी लगाकर चोरी कर ली। इस दौरान पीड़ित ने बताया कि करीब 8 लाख रुपए के गहने और अभी हाल ही में कपास की फसल बेची हुई थी, जिसकी कुछ नकदी करीब 2.5 लाख रुपए भी चोरी हो गए। सूचना पाकर भैरोड पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबूतों और चोरी के माल की तफ्तीश और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आश्वासन देते हुए कहा कि चोरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एक ही गांव में 2 घरों में चोरी होना कहीं ना कहीं पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान जरूर खड़े कर रहा है। कानपुर के देहात में सत्यमेव न्यूज का असर देखने को मिला। इस बार राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश में भी हमारी खबरों का असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी महामंत्री की दबंगई की खबर सत्यमेव न्यूज पर प्रसारित की गई। सत्यमेव न्यूज ने सीएमओ को सच्चाई से रूबरू करवाया। सीएमओ ने मूसानगर में तैनात डॉक्टर रिफका कादिर का तबादला रद्द किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष राहुल अग्निहोत्री के दबाव में महिला डॉक्टर का तबादला किया गया था। सत्यमेव न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह बीजेपी नेता हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहा है। इस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए डॉक्टर रिफका का तबादला रद्द कर दिया। खबर के इस त्वरित असर से आम जनता बेहद सुकून महसूस कर रही है। तो ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ, बस इसलिए मेरे साथ अभी मुझे ट्रांसफर लेटर मिला नहीं है। बस मुझे कल बताया गया कि मेरा ट्रांसफर लेटर मुझे कलेक्ट करना है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ट्रांसफर कहाँ होगा। वजह तो मुझे भी नहीं पता कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो बात है मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। लेकिन जो बात मैंने भी सुनी है वो ये कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्टर साहब भेदभाव करते। बिल्कुल आपकी बात सही है, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी इतने दिन मरीज देखे, मैंने भी कभी ऐसा भेदभाव नहीं करा और न मैं जानती हूँ क्या हिंदू क्या मुस्लिम। दिक्कत यही बात है कि किस वजह से हो रही और कौन कर रहा है और क्या चाहता है। देखिए मेरे मरीज है, मैं हूँ, अगर नहीं देख रही हूँ उनको तो आज ये मेरे साथ क्यों खड़े। एक जो है इनकी जिला अध्यक्ष महोदय के 7 क्षेत्रवासियों को संलग्न करके जो वो था प्रार्थना पत्र, वो शिकायत दी गई थी इनकी कि ये जो है धार्मिक भेदभाव से इलाज करती हैं और अनियमितता करती हैं, मतलब हफ्ते में 1-2 बार आती हैं, नियमित नहीं आती हैं। इस तरह की शिकायत क्षेत्रवासियों द्वारा जिलाध्यक्ष के पद संलग्न पत्र के साथ की गई थी, जिसके आधार पर इनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद में तबादला किया गया था। पाली जिले के मारवाड़ा जंक्शन क्षेत्र के सूर्यनगर गांव के खतरनाक मोड़ और विधायक केसाराम चौधरी के निवास से मात्र 20 फीट की दूरी पर खड़े 32,000 केवी के विद्युत पोल को अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और ग्रामीणों की सूझबूझ से विद्युत आपूर्ति बंद करवाई गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूचना पाकर अभियंता विद्युत विभाग मौके पर पहुंचे और इन पोलों को हटाया गया। चुरू में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार न केवल पड़ोसी राज्य हरियाणा की सीमा पर विशेष चौकसी रहेगी, अपितु संवेदनशील बूथों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों के विशेष इंतजाम भी रहेंगे। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिले में अब तक 61,560 लीटर अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। वहीं वाहनों की चेकिंग के दौरान अब तक 26,73,000 रुपए जुर्माने के राजकोष में भी जमा हुए हैं। हरियाणा बॉर्डर पर चेक पोस्ट की संख्या भी 9 से बढ़ाकर 28 कर दी गई। चूरू जिला पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए तैयारियों की समीक्षा के लिए बीकानेर रेंज आईजी दिनेश एमएन ने आज पुलिस अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक ली। पुलिस लाइन सभागार में बैठक हुई। बैठक में एसपी राम मुर्मी जोशी ने चुनाव को लेकर जिला पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में आईजी को अवगत करवाया। आईजी एमएन दिनेश ने वांटेड अपराधियों की धरपकड़, संवेदनशील बूथों को चिन्हित करने,
अवैध शराब की तस्करी को रोकने और सट्टे के खिलाफ कार्यवाही के अधिकारियों के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर आईजी एम एन दिनेश ने कहा कि चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में चूरू जिला पुलिस द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पुलिस बल तैयार है। उन्होंने सट्टे के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर कहा कि चूरू में सट्टा माफिया भूमिगत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की निगाहें इन पर रहेगी। विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित प्रदेश प्रभारी भाजपा संगठन पदाधिकारी कार्यकर्ता रविवार को राणकपुर पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी सहित बीकानेर के नेता पहुंच गए। मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, मदन राठौड़, वी सतीश, पुष्प जैन, संजना आगरी, राजकुमार रेणुवा भी पहुंच गए। ये पदाधिकारी यहां बीकानेर, उदयपुर, कोटावर, जोधपुर संभाग से आए हुए संगठन पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से खुली चर्चा और वैचारिक मंथन कर व्यापक रूपरेखा तय करेंगे। इस बैठक में कई रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की पुरजोर कोशिश रहेगी ताकि जीत का परचम लहराया जा सके। संगठन कार्यकर्ता पदाधिकारियों की भावना के अनुरूप 80 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी उतारने को लेकर भी आशार्थी उम्मीदवारों से व्यापक चर्चा और जीत का जनाधार उनके समीकरण देख एक पैनल का निर्माण करेंगे, जिससे वह प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करवाएंगे। सभागार बैठक को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा प्रदेश सभा प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, सह प्रभारी वी सतीश समेत आए कई पदाधिकारी विभिन्न समूह में अलग अलग चर्चा करेंगे, जिसमें 14 अक्टूबर को पहले बीकानेर संभाग पदाधिकारियों से चर्चा होगी। इसके बाद कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में कार्यकर्ता पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। देश प्रदेश की राजनीति के मुख्य स्थल बने रणकपुर में चुनावी दृष्टि से रविवार को मुख्यमंत्री सहित भाजपा संगठन पदाधिकारियों के आवागमन को लेकर एक दिन पूर्व सांसद और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पुष्प जैन और ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने देसूरी, सादड़ी, बाली, फालना भाजपा मंडल कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सहित भाजपा संगठन पदाधिकारियों के 14 से 17 अक्टूबर तक रणकपुर प्रवास को लेकर प्रशासन और पुलिस ने भी व्यापक व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। एएसपी उतार सिंह रहमान, बाली सीओ राजेंद्र सिंह राठौड़, देसूरी एसडीएम और तहसीलदार ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई नेताओं के निजी विमान से पहुंचने की संभावना को लेकर एक अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया है। यहां रणकपुर में 3 निजी होटल में ठहराव तय किया गया है। 2 दिन पांडाल भी तैयार किए गए। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों से चुनाव प्रत्याशियों की प्रबल दावेदारी सामने आ रही है। शहर में कांग्रेस कमेटी की पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शारदा चौधरी ने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी पत्रकारों को बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी की है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली बात को लेकर पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से इकलौती महिला कार्यकर्ता होने के नाते टिकट की उम्मीद रखती है। मीडिया से वार्ता करते हुए शारदा चौधरी ने बताया कि वह लंबे समय से इसी क्षेत्र में कांग्रेस की कार्यकर्ता रही है और समय समय पर उन्होंने बहुत से जनहित में कार्य भी किए हैं। क्षेत्र के लोगों के विश्वास और आग्रह पर दोबारा सेवा के लिए चुनाव लड़ेगी और पार्टी से टिकट की दावेदारी पर पुष्टरी सीट पर हक जताती है। बालोतरा को जिला बनवाना, बालोतरा में ओवरब्रिज निर्माण, मीठे पानी को उचित व्यवस्था और क्षेत्र की महिलाओं का उत्थान आदि इनके प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। परमाणु नगरी पोखरण में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा से दावेदारी की होड़ सी लग गई है। वहीं कांग्रेस से एक ही प्रबल और मजबूत दावेदार का नाम सिर्फ सालिम मोहम्मद सामने आ रहा है, जबकि भाजपा से कई दावेदार के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक प्रबल और मजबूत दावेदार नाम गोपाल सिंह भाटी का सामने आने से पोखरण क्षेत्र से बाकी की अपनी दावेदारी कर रहे उम्मीदवार में हड़कंप मच गया है। भाटी ने गोमटी स्थित अपने निवास स्थान कृष्णा कुंज पर पत्रकार वार्ता कर अपनी दावेदारी जनता के सामने रखी। भाटी ने बताया कि वो सन 1982 से सन 1990 तक की अवधि में पोखरण जलदाय विभाग में सहायक अभियंता के पद पर सेवा दे चुके हैं। समिति संसाधनों और विकट भौगोलिक परिस्थितियों में भाटी ने उस दौर में पेयजल स्रोतों और जल वितरण प्रणाली के विकास में उल्लेखनीय और काबिले तारीफ सराहनीय कार्य किए हैं।
भाटीकार राजनीति में आने का उद्देश्य पेयजल, चिकित्सा और शिक्षा को बढ़ावा देना और पोकरण, जो परमाणु नगरी के नाम से विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही आजकल के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना भी एक इनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। भाटिका भाजपा से जुड़ने का मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व, राजस्थान में महिला शक्ति के रूप में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे सक्षम और आधुनिक विचारवान राज्य के नेतृत्व वाली पार्टी उनकी पहली पसंद है। भाटी ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर आमजन से राय और आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी से विधायक पद को लेकर टिकट की मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। पार्टी से पूरी उम्मीद है कि पार्टी उनको पोखरण विधानसभा की जनता की सेवा करने का मौका देगी। ऐसा कहना है मजबूत दावेदार विधायक पद की दावेदारी पेश कर रही भाटी का। भाटी ने कहा कि पोखरण विधानसभा क्षेत्र के 36 कोम का अपार जन समर्थन पर सहयोग प्राप्त करना है दिया है, जो 35-36 साल की आयु में सर्विस में और 60 साल की उम्र में मेरे ऊपर जो समाज का ऋण है उसको वापस उतारने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में तीन स्थितियाँ होती है, बाल्यकाल, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। तीनों अवस्थाओं में वो समाज से कुछ न कुछ लेता है, किसी भी रूप में वो समाज पर डिपेंडेंट रहता है और अपना विकास करता है। उसके पश्चात उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उसने जो कुछ भी समाज से पाया है, जो ऋण के रूप में उसके ऊपर चढ़ा है, उसको अपने स्वभाव और अपनी क्षमताओं के अनुरूप वापस समाज को देने की कोशिश करे। वो राजनीति के रूप में भी हो सकता है, अन्य किसी रूप में भी हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।